5 जुलाई से प्रारंभ हुए श्री नारायण गुरु धर्म समागम के द्वारा पुनः प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में तीसरे दिन भी पूरे विधि विधान और रीति रिवाज से पूजा अर्चना की गई। साथ ही 12 जुलाई को होने वाली विशेष और रचनात्मक कार्यक्रम के लिए केरल प्रदेश का पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति दी जानी है, जिसके लिए श्री नारायण गुरु विद्या भवन के परिसर में ही सर्वधर्म समुदाय की महिलाएं अपनी रुचि अनुसार इस नृत्य को सीख रही है। पूरे 10 दिन चलने वाले इस आयोजन में केरल प्रदेश से जहां एक और कारीगर बुलाए गए थे जिन्होंने शिव परिवार का यह मंदिर तैयार किया है, वहीं दूसरी ओर केरल प्रदेश से ही वाद्य यंत्र वादक एवं पुरोहित आचार्य भी आमंत्रित किए गए हैं, जिससे इन 10 दिनों के अंदर पूरा भिलाई केरल प्रांत की तरह आनंद की अनुभूति कर रहा है। आइए देखते हैं तीसरे दिन हुए आयोजन की खास झलकियां। सेक्टर 4 में शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था। तो 5 तारीख को शुरू हुआ, जुलाई 5 तारीख को शुरू हुआ, 15 तारीख तक चलेगा। आज तीसरा दिन है, 5 तारीख से लगातार पूजा अर्पण सब चल ही रहा है। तो कम से कम 400-500-600 जो यहाँ का पूजा में शामिल होने के लिए लोग आ ही रहे हैं, पूजा में शामिल करके वापस जा रहे हैं। तो ये सब आयोजन जो है, हम लोग सब एग्जीक्यूटिव कमेटी मिलकर के इसको आयोजन किया गया है, लेकिन बाकी सभी लोग, सभी देशवासियों का सहयोग इसमें मिल रहा है। आज हमको ये भी सौभाग्य मिला, हम यादव समाज में भी गया था, उनको भी हमने इस कार्यक्रम में इनविटेशन दिया था, उन लोग भी शामिल हो गए 12 तारीख को। बाकी जो उसका 12 तारीख को जो कार्यक्रम, जो मेगा प्रोग्राम जो है हमारे, जो तिरुवादिरा जो ट्रेडिशनल है, ये जो भगवान का सामने हम लोग प्रस्तुत करता है केरला में, वो जो कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम का तैयारी हो रहा है जो हमारा मैदान में, वो आप देखी होगी। ये सब तो मतलब यहाँ पे ये जो केरला ये जो प्रोग्राम अभी कर रहा है, आयोजन कर रहा है। नमस्कार, श्री नारायण गुरु धर्म समागम के प्रांगण पर श्री नारायण गुरु जी शिव जी की जो प्रतिमा स्थापना पुनः प्रतिष्ठा का जो महोत्सव का आयोजन किया गया है, मुख्य उद्देश्य हम सभी धरा के लोग, शहर के प्रदेश के लोगों को हम एक सूत्र में जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए हम कई आयोजन को ऐसा किया गया है कि जिसमें एक धरा पर सब जुड़े रहें हमसे, उसका मुख्य उद्देश्य वही है। और आज तीसरा दिन का कार्यक्रम है, हजारों के संख्या में रोज श्रद्धालु आ रहे हैं, और आने के बाद हर श्रद्धालु का एक ही कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि केरल के देवभूमि पर मंदिर दर्शन के लिए आए हैं करके। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो बाकी के जो 7 दिन के कार्यक्रम बचे हुए हैं, मैं सभी से अपील करूँगा, आए
और भोलेनाथ का आशीर्वाद लें, शिव के पूरे परिवार का आशीर्वाद और श्री नारायण गुरु जी का भी आशीर्वाद लें। और हमारा उद्देश्य 12 तारीख को जो प्रोग्राम है, जो पुनः प्रतिष्ठा का, सुबह 9 से 10 बजे तक रहेगा और शाम के संध्या हम जो पहले ही से कह रहे हैं कि हम सभी लोगों को एक ही सूत्र में बांधना चाहते हैं जात धर्म से ऊपर उठकर। उसी लिए हम लोग केरम की एक पारंपरिक नृत्य तिरुवादिरा का भी आयोजन किया गया है, जो विभिन्न धर्म समुदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, सभी की तरह के महिलाएं, बच्चे सब इसमें शामिल हैं, सभी स्कूलों के टीचर्स भी इसमें शामिल हैं, श्री शंकरा विद्यालय, BNS, MGM, नालंदा, बैतनी, हर विद्यालय से छात्र और जो टीचर्स हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और हमारा वो कार्यक्रम को सफल करने का उद्देश्य है और सफल होगा भगवान का आशीर्वाद से। और उसका मुख्य उद्देश्य एक ही है कि जो हमारे श्री नारायण गुरु ने जो बोला है, एक जात एक धर्म, उसी आधार पे हम उसको लेके चलते हैं, जात और धर्म से ऊपर उठकर उस कार्यक्रम को सफल आयोजन करना जा रहे हैं, जो कि बहुत ही हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं उन लोगों का बहुत योगदान है इसमें। DID सुपरमॉम अनिला राजन मैडम का भी बहुत बड़ा योगदान है और देवी मैडम जो कला मंडलम से हैं उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, जो कोरियोग्राफर हैं, और बाकी भी बहुत सारे, तारा दीपू मैडम, सिमी अनिल मैडम, सुहास मैडम, इन लोग सबका बहुत बड़ा योगदान है। इन लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे प्रिंसिपल मैडम भी इन सब के कोऑर्डिनेट करके उनको सफल आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं। 12 तारीख को शाम को 6:30 बजे ये चालू होगा, 8:45 का ये कार्यक्रम है और मैं सभी लोग से अपील करता हूँ ये कार्यक्रम जरूर देखने आए और हमें अनुग्रहित करें।